ये हमारी यह समस्या है, हम 60 साल से बैठे हैं इस कॉलोनी के अंदर, सरकारी स्कूल बना रखा है बच्चों का पांचवी तक का, दो दो आंगनबाड़ी हैं, पक्की नाली और खम्भे, बिजली मीटर लगा रखे हैं, सारी सहूलियत करी, सारी हमारी आईडी बन रही है, राशन कार्ड, हाउस टेस्ट। तो अब क्या परेशानी आ रही है? परेशान ये है, सरकार ये बोलती है आकामी इस बस्ती को तोड़ेंगे और आप कहीं भी जाओ। क्या वोट लेने के समय ऐसी कोई बात नहीं होती? और वोट लेने दिया नहीं तो सब ये कहेंगे हम आपका साथ देंगे, अब हमारा कोई साथ नहीं देता, सिर्फ वोट वोटने की चाहना है, लेकिन गरीब बंदों की कोई चाहना नहीं है। दादाजी जब चुनाव हुए थे, ये मंत्री लोग, विधायक लोग जब आए थे वोट मांगने, तब आपने अपनी बात रखी थी? सारी बात रखी थी और सब चीजों की हाँ भरे हैं। कमल कौन कौन आया था? एमसी भी आती है, कलम गुप्ता भी आता है, जिंदल भी आ लिया, हमारे जिंदल आया, जिंदल को हमारे खंबे लगाए, हमारे को बिजली का स्कूल का लगवा दिया, आंगनबाड़ी खुलवा दी, हमारे बच्चे ने हम कहाँ पढ़ाने जाते हैं, जिस स्कूल टूट जाएगा तो खड़ जाएगा, गरीब आदमी हमने हमारे हमको जगह बनाई है, ईब हमारे को नू करते तुम्हारे को तोड़े जाएंगे, जगह नहीं मिले जाएगी, बोलो कहाँ जाओ, 60 साल से यहाँ बस्ती रुक रही है। जैसे कहते वोट दो तुम्हारी सबकी पक्की कॉलोनी होगी, और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं नहीं होती, अब कह रहे सुनाई नहीं होती, क्या बात है? हाँ, हमारे को चल सिविल का रास्ता रोक दिया, वो भी मंजूर कर दिया, हमने राह दे दिया वहाँ जाने के लिए, वहाँ भी मंजूर कर लिया, ये बताओ हम कहाँ जाए, हमारे बाजार में जाने सब चीज से हम परेशान करती है, और फिर हमारे रन अगर छत दे रखी उस लिए भी हम परेशान करे हैं, अब तुम्हारे को तोड़ के यहाँ से भगाए जाएंगे। कितने परिवार रहते हैं आंटी जी? कितने परिवार रहते हैं हमारे घर को? हाँ इतने घर है हमारे को, 1000 का नेड़े घर घर रहे हैं। हाँ इतने वोट है, इतने वोट है के पीछे हम जमा, इतने लोग जद लेने आती है, एमसी भी राजी हो जाती है, सब राजी हो जाते हैं, हम तुम्हारे साथ आ, तुम्हारे साथ आ, ये हमारा कोई भी नहीं साथ देता। आपकी एमसी क्या कहती है? हम क्या एमसी भी नहीं सुनाई कह रही, उसे के साथ लग रही है कविता के लिए। कविता के लिए हाँ जी, आप क्या कहोगे? हमेशा परेशान जितन कहती हाथ जोड़ के, हम तुम्हारे यहाँ, हम तुम्हारे यहाँ, हमारा कोई भी नहीं लगता तो हम कहाँ जाए नहीं बताओ हमको। हाँ सब उसे बस्ती के, हम उसे बस्ती। तो आज इस हार के यहाँ पर आप मौजूद हो रविदास छात्रावास में, और आज यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद आए हुए थे, तो आपकी कुछ बातचीत हुई उनसे? हुई है। क्या बातचीत हुई है? वो तो हमारे प्रधान जी ने बताया, हमारे प्रधान ने कही है जो बात, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने बता दूं मैं, आश्वासन दिया आपको उजाड़ा नहीं जाएगा, उजाड़ा नहीं जाएगा, आश्वासन दिया आपको ही, वो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ खड़े हो, घर को उजाड़ा जा, जो वोट लेने आते हैं जैसे ही उनको साथ नु को भी हम वोट दे रहे हैं तुमको, तो कहाँ जाए, हम यहाँ ही रहेंगे तुम्हारे साथ, हम खड़े यहाँ और उजाड़े नहीं। क्या चाहते हो आप लोग? हम यह चाहते हैं बैठे बैठे रहो, हम नहीं उरे बिठाए रखा, हम नठावा नहीं, बस यह चाहूँगा वही अलाट कर दिया जाए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जहाँ जो 20-30 साल से बैठे हैं उनको वही अलाट कर दिया जाए, मगर इन्होंने बैठे हुए 55-60 साल हो गए, राज्य सरकार जी आज ये सरकार हमें उजाड़ने का काम कर रही है, कि हमें यही बसाया जाए, किसी को भी उजाड़ा ना जाए, हमारा साथ दें भाई। ये लोग थे हिसार में, अम्बेडकर कॉलोनी के लोग हैं, 600 से 700 है जो घर मकान है जो वहाँ पर हैं, ये परिवार 600 से 700 जो परिवार वहाँ पर रहा है, जब इलेक्शन का टाइम आवा है जो यहाँ के जो विधायक है, जो एमसी है, जो भी मतलब राजनीतिक लोग हैं, जब तो वोट लेने का चक्कर में गवा है, तो बता रही बस्ती है या खाली को कराई जावा ना तोड़ी जावा, लेकिन जब विधायक बन जा है, जब एमसी बन जा है, वही लोग मेरी ने उड़ा था काटने की कवायद करने लग रहे हैं, ये सारा जो बाकी है इन्होंने अपने जबानी बता दिया, माता है बहन है भाई नौजवान साथी सारे खड़े हैं, हिसार का जो मामला है रिश्ता है मामा हिसार का, जो छात्रावास है गुरु रविदास जो का जो धर्मशाला है, और साथ में ही गुरु रविदास छात्रावास भी है, यहाँ पर है चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, इनके सामने इन्होंने अपनी बात रखी, बाकी देखते हैं इस मुद्दे पे क्या काम रहेगा, क्या इसका जो निष्कर्ष रहेगा, लेकिन हाल फिलहाल क्या है, इस बस्ती को खाली कराने की है जो कवायद है जो सरकार द्वारा की जा रही है, और खट्टर साहब भी आए थे, कद आए थे खट्टर साहब? पूरा है ये 12 मार्च को आए थे। क्या कह गए? अब ये बस कॉलोनी है जो ये इसको तोड़ा जाए, मतलब कई सालों से 60-65 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे बच्चे के बच्चे हो गए जी, इस तरह मैं बच्चा मेरा बाप और मेरे चार बच्चे, ना ना जी मेरे भी चार बच्चे हो गए जी,
मेरे दादा भी यहाँ पे रहते थे, 60-65 साल से यहाँ पे रह रहे हैं जी। जब 12 मार्च को आए थे सीएम साहब गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी में, उस टाइम उन्होंने कहा था कि कार्रवाई की जाए इस पे और जितने भी ये नीचे जाति के लोग हैं इन्हें उजाड़ा जाए, यहाँ से खाली की जाए। ये बात कह गए हैं। हाँ जी, कड़ा जाओगे जो कैट दिए भाई, कड़ा जाओगे कड़े आया पर देखेंगे और कड़ा जाओगे कड़े पैर बुढ़ते रहे होगे तो हम बांग्लादेश पाकिस्तान था। नहीं जी, यही मतलब पूरे जन्म हो रहा भाई, सारी चीज है, इनकम टैक्स भर लाग रहे भाई। रोहिंग्या तो निदाम है, रोहिंग्या मुसलमान तो निदाम है के बेरा भाई, उन्हें तो दिखण लाग रहे हम मामू को नहीं भाई, उन्हें तो दिखण लाग रहे हम मुसलमान नहीं भाई, पाकिस्तान के दिखा हम। खाली की जाए बस्ती। कौन मेन लोग है जो ये करवा रहे इधर उरे शहर के? भाई ये मंत्री हैं बड़े, भाजपा वाले, कमल गुप्ता, कमल गुप्ता हो गया, मनोहर लाल खट्टर हो गया जी है भाई। हाँ जी, तारी एमसी का नाम है मार कविता केडिया, सेक्टर 14 में रहवा है, सेक्टर 14 में रहवा है। ये पूरी कवायद कर रहे हैं, ये कवायद ये कर रहे हैं जी। और वोट मांगते हैं कि कमाई है भाई, वोट मांगते हैं तो भाई जमा भिखारी बन का आवे, ममता रखेल है, सारी चीज देवांगे ठीक है, आगे तक तारी कार्रवाई करवावांगे जो भी है, मतलब कॉलोनी के बारे में आगे तारा केस चलेगा, कॉलोनी पक्की हो जाएगी। ये चीज क्या सीखना मिल गया है? सीखना मिलेगी, मैं सीखने मिल रहा है भाई, ये बात आगे खातर कोई वोट को नहीं भाई, किसी खातर भी ठीक है। जो जिंदल ने बहुत सारे काम कराए हैं वो शुरू स्टार्टिंग से, जैसे भाई वो संभाला है, जब से हमने सावित्री जिंदल आगे पीछे मिले, कॉलोनी बनवाई, जो स्कूल पक्का हुआ, जो अपनी गली पक्की हुई, आधार कार्ड बने या मीटर लगे या इनकम टैक्स भी भर लाग रहा, तो सारा कुछ उन्हें का है जी, और कुछ को नहीं। आंगनबाड़ी बनाई है, कांग्रेस का आदमी तो नहीं है, कांग्रेस के आदमी को नहीं, जो करेगा उसकी तो हाँ भरनी पड़ेगी। करे है काम परिवार ने, करे है, देखेंगे तो काम करा वो तो दिखेगा जी, जिसकी खावा भाकड़ी उसकी जाएगा। आज का टाइम वो है जिसकी खाए भाकड़ी उसके गाए गुण, ठीक है। सिर्फ कांग्रेस सरकार से सिवा हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ अब तक, और जब तक बीजेपी आई है जी जब तक होया काम, कोई काम नहीं हो रहा। हमारी गली में जाके देखोगे ना आप, बच्चों को लिगड़ने के लिए जगह नहीं है, नालियों का ऐसा हाल है। हम पीछे बनवारी लाल जी आए थे, बनवारी लाल जी से मिले थे, हमने लेटर भी दिया था कैबिनेट मंत्री जी, हाँ बनवारी लाल जी से हमारी मांग थी, एक तो हमारे यहाँ सीवर का कनेक्शन नहीं है और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, हम सिर्फ नलके का पानी पीते हैं वहाँ पे, नलके का पानी भी खराब है क्योंकि पीछे सैंपल लेने आए थे, वो कह गए भाई सारी कॉलोनी का पानी खराब है, तो हमने पीछे मांग रखी थी कि भाई हमारी कॉलोनी में पीने का पानी और सीवर की समस्या है ये करवाई जाए, तो वो लेटर उन्होंने भेज दिया पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ के जेई से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि भाई हम आपकी कॉलोनी में ये सुविधा नहीं दे सकते क्योंकि आपकी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, आप कब्जे पे बैठे हो, यहाँ सरकारी सुविधा नहीं आ सकती। फिर हमने कहा कि माँ जी ये बताओ आप, हमारे पास मीटर हैं, गलियाँ पक्की हैं, सरकारी स्कूल है, तो ये क्यों नहीं आ सकती? आउट टैक्स बढ़ने लग रहे हैं सारे, जी हाँ ये आउट टैक्स की रसीद है, ये ऑफ टैक्स की रसीद है जी, कैमरा मैन दिखा भाई, सभी कॉलोनी वासी मतलब इल्लीगल भी बताई जान लग रही है वा, जी हाँ ऑफ टैक्स भी भरा जान लग रहा है, ना कोई कमेटी की सुविधा है, ना झाड़ू वाले आते, ना सफाई वाले, बल्कि हमने एमसी साहब से पीछे बात की कि भाई कम से कम पीछे जो झाड़ू वाले आया करते उनको भेज दो ताकि सफाई वगैरह नालियों का तो समाधान हो जाए, वो भी कह रहे हैं भेज देंगे। आज तक मेरे ख्याल से 4 साल हो गए एमसी बने हुए, आज तक कोई नहीं आता नालियों का, आप मौका देखोगे ना, आप एक बार मौका देखो हमारी भाई, भाई जो इन भाई की बस्ती है वह भी दिखावांगे, जो अपडेट है वह देवांगे, लेकिन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, जो भाई की आवाज़ है बस सरकार द्वारा के पूछानी है, लोग द्वारा जरूर पहुँच जाएगी भाई सरकार के कर रही है इस टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर से आप फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो कीजिए, हमारे नेटवर्क पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ बिले में सपोर्ट कीजिए। जय भारत, जय संविधान।